सो हे गाइस, वेलकम टू वॉच एंड टॉक शॉप। और इधर हमारे शाद भाई। शाद भाई कैसे हो? बस ठीक हूं। शाद भाई, प्राइस कम होगी कि नहीं? पब्लिक बहुत सारी कमेंट कर रही है कि प्राइस कम हो गए, ड्रॉप हो गए आईफोन 13 प्रो की। प्राइस ऑलमोस्ट अभी थोड़ा बहुत ड्रॉप हो चुका है पहले से कंपैरेटिव करेगा तो। अभी आईफोन 13 मिनी है, 13 है, 13 प्रो मैक्स है, 13 प्रो सब वेरिएंट है अभी। अभी स्टार्ट करते हैं अपन 13 मिनी से पहले। चलो ठीक है, वन बाय हम लोग प्राइस का बता देंगे। 13 मिनी आपको पड़ेगा 2850 का पड़ेगा, 2850 और 128GB वेरिएंट। और इसमें आप 13 लेगा तो 2950 का आपको 13 128GB मिलेगा। और उसमें आप 13 प्रो लेंगे तो इसमें 256 भी आता है 13 में, वो आपको 3250 तक मिल जाएगा, 3256। और स्पेक्स का भी अलग अलग प्राइस है, जैसे कि जापान भी आता है, यूएसए भी आता है, उनका तो जितने अपने पास है वो कौन से वेरिएंट है? सब इसमें मिक्स है, जापान भी यूएसए भी सब मिक्स वेरिएंट है। सबसे ज्यादा कौन से चलता है? सबसे ऐसा नहीं, कस्टमर चॉइसेस है। अगर कस्टमर कभी कभी बोलता है यूएसए भी चाहिए, कोई बोलता है इंडिया जापान भी चाहिए, बट जापान सबसे चीपेस्ट है, जापान थोड़ा चीपेस्ट रहता है। नो प्रॉब्लम। सो 13 प्रो का क्या प्राइस है? 13 प्रो का आपको 128GB पड़ेगा, आपको 4000 में पड़ेगा, 4000। 13 प्रो आपका पड़ेगा 4000 का पड़ेगा आपको, 128। और 256 पड़ेगा आपको 4450 का पड़ेगा। और 512GB पड़ेगा आपको, 5150 का पड़ेगा, 5150। तो अभी 13 Pro Max की प्राइस कम होगी कि नहीं? 13 Pro Max अभी ऑलमोस्ट कम हो चुका है अभी। 4550 का आपको 128GB है Pro Max में, और 256GB पड़ेगा आपको 4950 का पड़ेगा आपको। और 512GB पड़ेगा 5550 का पड़ेगा। और इसमें 1TB का भी आता है ना? 1TB मतलब 6300 का जाएगा आपको, 1TB। और 13 Pro Max में आपके पास ये 4 कलर अपने पास अवेलेबल है, सेरा ब्लू, मिडनाइट ग्रे, और ये कौन से सिल्वर और गोल्ड। सबसे ज्यादा कौन सा चलता है शायद? मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो ब्लू, सेरा ब्लू ऑलमोस्ट सब में जाता है अभी। और आपको ग्रे भी है, गोल्ड भी है, लेकिन ज्यादा करके ब्लू ही सब लोग प्रेफर कर रहे हैं। और शायद जितने भी टूरिस्ट लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ बोलना चाहते हैं? टूरिस्ट के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ, आप जो वैट जो आप एडिशनल पे करता है वो आपको 100% आपको रिफंडेबल है। कोई को क्यूरियोसिटी और डर रहता है कि आप वैट यहाँ पे कर रहे हैं और आपको उधर जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का एकदम कानून एकदम स्ट्रेट है। आप जो भी टैक्स इधर पे करेंगे आपको डेफिनेटली 100% आपको उधर मिलना ही है। जिसके पास लेकिन टैक्स फ्री रिबेट रहेगा तो वो है तो आपको मिलेगा। सो इधर से अब कोई किसी भी टूरिस्ट ने लिया तो अब टैक्स इनवॉइस देंगे, उनको। सो 13 प्रो मैक्स हो गया। अभी हम बढ़ते हैं एयरपोर्ट्स पे। एयरपोर्ट्स पे क्या अभी कम हो गया प्राइस? एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट थोड़ा भी कम हो चुका है। एयरपोर्ट्स 3 पहला रेट था 650 660, अभी आपको 610 में मिलेगा ये 610। वाओ। और ये भी आपको 710 720 के आसपास था, ये आपको पड़ेगा आपको 660 का पड़ेगा। और ये मैक्स सेफ चार्जिंग वाला है, 2021 एडिशन है ये भी। सो ये प्रो की प्राइस भी कम होगी एयरपोर्ट्स प्रो। और जो सेकंड जनरेशन भी आपको 440 था 450 था, ये आपको अभी 410 में मिलेगा, 410। मतलब इसकी भी प्राइस बहुत कम हो गई है। मेरे को याद है जब मैंने लिया था आई थिंक 480 490 में था। सो एयरपोर्ट्स भी हो गए। अब बढ़ते हैं हम एप्पल वॉच सीरीज 7 से स्टार्ट करते हैं। सीरीज 7 में 45 भी आता है और 41 भी आता है। 45 आपको पड़ेगा 1650 का और 41 आपको पड़ेगा 1500 का पड़ेगा, 1500। और एकदम बेसिक, किसी को ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉच नहीं चाहिए, एप्पल ने एक बजट वॉच बनाया जो उसका नाम है SE करके, एप्पल SE। हाँ, इसमें SE में भी 40 और 44 दोनों आता है। यह आएगा 1000 दिरहम तक, और 44 आएगा आपको 1180 तक पड़ेगा। सो सबसे बजट में यही है, सबसे बजट में कम रेंज में SE मॉडल सब एप्पल वॉच में। और नाइक एडिशन में कौन सी है? नाइक एडिशन में भी ये रहा। नाइक एडिशन आपको सीरीज 7 में 45 में मिलेंगे तो आपको 1680 का पड़ेगा आपको, 1680। और उसमें आपको मेरे पास मैकबुक एयर भी है। सो एप्पल वॉचेस भी हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, आईफोन्स हो गए। अब बढ़ते हैं हम मैकबुक के ऊपर। मैकबुक की क्या प्राइस है अभी एयर की? मैकबुक एयर M1 चिप वाला है, ये आपको 256GB आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 3450 का, 3450। ये प्राइस थोड़ा कम था, 3320 33 तक था, लेकिन प्राइस अभी थोड़ा ऊपर हो चुका है। तो मार्केट में आपको कभी प्राइस ऊपर भी मिल सकता है और प्राइस ड्रॉप भी हो सकता है। और मैकबुक प्रो का क्या प्राइस है? मैकबुक प्रो का आपको 4500 का पड़ेगा, 4500। ये वो कितना 512? ये 256 512GB ऑलमोस्ट आपको 4950 तक पड़ेगा आपको, 4950 मैकबुक प्रो। सो जिसको भी लेना है मैकबुक तो आप ले सकते हो इधर से। अब बढ़ते हैं हम आईपैड की ओर। आईपैड में अभी लेटेस्ट कौन सा है? मिनी 6 आया है राइट? आईपैड में मिनी 6 आया, 1800 तक पड़ेगा आपको मिनी 6। ओके, 128 जीबी। और आईपैड 11 इंच भी है, ये भी आपको 2850 तक पड़ेगा। ओके, और ये कौन सा है? ये आईपैड 11 इंच, आईपैड प्रो है। ये एमोन चिप वाला है ना सर? एमोन चिप वाला है। ओके, ये एमोन चिप वाला है, ये भी लेटेस्ट ही है। ओके, सो इसकी कितना प्राइस बोले? ये आपको 2850 का बता था। 2850, 128 और 256 3350 तक पड़ेगा। 3350। ओके, सो शाद भाई और अपनी शॉप में क्या क्या मिलेगा लोगों को? अपने शॉप में और आपको दूसरा ब्रांड का फ़ोन चाहिए भी है, जैसे सबसे कम बोले MI का हो गया, Realme का हो गया, Samsung हो गए, Oppo हो गए, Vivo हो गए, सब ब्रांड्स के फ़ोन मिलेंगे। तो जितने भी आईफोन लवर्स हैं उनके लिए आप देखें ये वीडियो। सिर्फ आईफोन ही मिलता है ये सोच में बताओ, दूसरे फ़ोन भी हमारे पास मिलेंगे जैसे कि सब इधर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह वो कवर करेंगे। ठीक है शायद भाई, अपनी शॉप कहाँ है ज़रा बताएंगे पब्लिक को? शॉप एकदम करेक्ट लोकेशन स्टोर होटल के ऑपोजिट साइड में आता है, और वो भी आपको डिफिकल्ट पड़ता है तो आप सामने ही अल फहीदी कैफेटेरिया है, उसके ऑपोजिट में आ जाएगी वॉच एंड टॉक। ओके, सो वॉच एंड टॉक शॉप है। ठीक है, शाद का नंबर स्क्रीन पे आप देख सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये शॉप का लोकेशन मैप भी मैं दे दूंगा। तो शायद कोई वीडियो देख के आएगा तो डिस्काउंट मिलेगा ना? डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर मैं बोलना चाहता हूँ हमारा वॉच एंड टॉक यहाँ पे थ्री ब्रांचेज है। अगर आप मुझसे ही लेना चाहते हो तो मेरा शॉप आपको मेरा आ सकते हैं, लेकिन दूसरा दो वॉच एंड टॉक है उसमें मैं नहीं रहूँगा जी। सो अगर ये एक्चुअली हमारे 3 ब्रांच है टोटल। ठीक है, सो ये ब्रांच में सिर्फ शाद रहता है वॉच एंड टॉक में, तो आप आके शाद को मिल सकते हो, ये एकदम बेस्ट प्राइस देंगे आपको कौन सा भी फ़ोन इधर से आपको अगर ख़रीदना है तो। ठीक है, सो शाद थैंक यू।